हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। IARI असिस्टेंट मेंस 2022, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है असिस्टेंट एग्ज़ाम, इसका मेंस का एग्ज़ाम डेट आपका आ चुका है। इसके लिए जो है 21 जून 2023 का जो है ये इसका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। तो इसमें आपको जो है मेंस एग्ज़ाम में आपका दो पार्ट में कम्प्लीट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ये आपका दोनों जो है सेम डे कंडक्ट होगा। तो पार्ट ए में आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसके लिए आपको कंबाइंड टाइम जो है 2 आवर्स का दिया जाएगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। दूसरा पेपर आपका जो कि आपका सेम डे होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को जो है आप या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आधा इंग्लिश और आधा हिंदी में लिखेंगे तो आपका जो है आंसर शीट चेक नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 4 भागों में बटा होगा। पहला आपका एक ऐसे रहेगा, राइटिंग ऑफ ऐसे। दूसरा प्रेसिस राइटिंग, आपको जो है एक संक्षेपण लिखने के लिए बोला जाएगा। तीसरा लेटर लिखने के लिए, और चौथा आपका एक अप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ये सारा जो है आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका, इसमें ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस होगा, और ये टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और 1 आवर ड्यूरेशन का इसमें एग्ज़ाम होगा। तो आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो 100 मार्क्स क्वांटिटी, ये पार्ट ए सेक्शन से 100+100 200 मार्क्स हो गया यहाँ से, और 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से, तो आपका 300 मार्क्स हो गया। इसी के आधार पर आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग तैयारी किस तरह से करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का है। तो पहले जो है एसएससी के द्वारा जो है सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम होता था प्रीवियस पैटर्न पर, प्रेजेंट का तो अलग है। तो एसएससी सीजीएल मेंस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपका सेम पैटर्न पर आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी आपका जो है 50 क्वेश्चंस पहले पूछा जाता था, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन तो ये भी आपका जो है 100 क्वेश्चंस पूछा जाता था पहले। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका सेम पैटर्न आपका जितना उसमें आपको पढ़ना है, ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस ही है, आपको इसमें ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन दोनों का जो है इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर पर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पर। तो आपका सेम चीज़ आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। तो आपके पास जो है लगभग 1 मंथ का टाइम है, तो टोटल इसमें 30 मॉक टेस्ट इसमें दे दीजिए। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट CBT के लिए, और इसके लिए भी आपका सेम टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है डेली। इसमें आपको ऐसे के लिए एक प्रैक्टिस करना होगा, फिर जो है लेटर राइटिंग है, फिर आपका प्रेसिस राइटिंग है, एप्लीकेशन है। तो इसमें जो है तो ऐसे राइटिंग के लिए जो है आप जो है एडिटोरियल सेक्शन का जो है न्यूज़पेपर का जो है एडिटोरियल सेक्शन आप डेली पढ़िए। तो इससे आपको जो है ऐसे लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो करेंट अफेयर से रिलेटेड, करेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है इसमें काफ़ी मात्रा में आपको मटेरियल दिया रहता है, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर हिंदी न्यूज़पेपर, जो मीडियम आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो इस पर आप अगर एसएससी सीजीएल का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल प्लेलिस्ट पर आप जा करके आप देख सकते हैं। इसमें 5 सेट में आपको जो है इंग्लिश सेक्शन में आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।